हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर एक गरारा स्टिच किया हुआ नज़र आ रहा है। आज हम इस गरारे की कटिंग आप लोगों को फुल दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसके दो पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट आज और टू पार्ट कल। तो दोस्तों, इसको एक एक बारीकी से हमने बनाया है, इसको एक एक बारीकी से समझें। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, उसमें हम पूरी जानकारी फिर से एक बार बताएंगे। इससे पहले काफ़ी तरह के गरारों की कटिंग हमने बताई, लेकिन आज का जो गरारे की कटिंग है बिल्कुल सरल और सीधा तरीका है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना। वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा YouTube चैनल ब्लॉग वाला सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम कटिंग करने जा रहे हैं एक गरारे की, जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह है। 41 इंच लंबाई है, 18 इंच इसका ऊपर का नेकर है, 40 इंच इसकी थाई है और 24 इंच ऊपर का बेल्ट है। और ये जो गरारा है ये 5.5 मीटर में कटेगा, जिसका फैब्रिक है हमारे सामने। साढ़े पाँच मीटर का ये पूरा गरारा कटेगा सिंगल, और इसमें ये लेस लगेगी। और इसकी जो कुर्ती है उसकी स्टिचिंग हमने कर ली है। कुर्ती जो है वो अलग से है, ये कुर्ती है जो कि एक अलग से है, 32 इंच लंबाई है इसकी। और ये है इसका दुपट्टा, जिसमें हमने लेस पहले से ही लगाई है। लेस का वीडियो हो सकता है हमारे चैनल पर आज ही अपलोड हो जाए। तो अब इसको रखते हैं किनारे और बात करते हैं गरारे की। अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं ऊपर की नेकर, जिसकी लंबाई है 18 इंच तैयार। तो 2 इंच इसके ऊपर बेल्ट लगेगा, तो हम 1.5 इंच इसको ऊपर से कम करेंगे और लगाएंगे निशान 18 इंच पर इस तरह से। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, और यहां से इसको करेंगे सीधा। और सबसे पहले इसकी कटिंग करके इसको कर देंगे यहां से। यहां से भी अलग कर लेंगे इसको। और अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसके कली और कुंदे। थाई है हमारी 40 इंच, तो हाफ आएगा 20 इंच। 20 इंच में हम 14 इंच से 15 इंच लगाएंगे निशान 14 इंच, और इसमें 7 इंच आएगी हमारी कली। तो ये हो जाएगा 14 और 7 21, 1 इंच हमारा मार्जिन जाएगा। अब इसकी कुंदे की कटिंग हमने कर ली, अब कटिंग करेंगे हम इसके कली की। तो कली की जो कटिंग होगी, लंबाई हमारी पूरी है, 7 इंच हमको तैयार यहाँ से चाहिए एक साइड से, जिसका हम निशान रखेंगे कम से कम 7.5। और 7.5 इस जगह से लेंगे, बाकी यहां से इस तरह से हम कर देंगे क्रॉस। इस साइड से हम थोड़ा सा कम करेंगे, 6 इंच लेंगे और यहां से इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद
इसको इस तरह से हम करेंगे ओरिएंट। अब हमारी ये दो गली एक साइड से आई और दो आएगी एक साइड से इस तरह से। कपड़े में काफी सारे नग हैं, कटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है। तो ये हो गया हमारा ऊपर का नेकर। यहाँ से इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे हम और एक लगाएंगे खड़ी। यहाँ से इसको हम कर देंगे ज्वाइंट। अब जो हिस्सा इसका बढ़ रहा है उसको यहाँ से कर देंगे कटिंग हल्का सा। और यहां से हम लगाएंगे निशान आसन का। आसन हमारा तैयार रहेगा कम से कम 16 इंच। यहां पर एक चटका देंगे हम। तो ऊपर की नेकर कट चुकी है, यहां पे चुनाव पड़ेगा। जब इसकी स्टिचिंग करेंगे उस वक्त वो कुछ बात करेंगे। अब पार्ट टू में हम कटिंग करेंगे इसका नीचे का घेरा।